खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल वालों की गई मीटिंग, बीजेपी लीडर का बाइकाट करने की आखी गल, पंजाब सरकार को यह फैसला ना मनन की कही गल। संसद ने जम्मू कश्मीर के भाषा बिल 2020 को दी प्रवानगी, जिस विच पांच भाषावां हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी अधिकारित भाषावां मिलिया दर्जा, पंजाबी भी शामिल करने की उठी मंग। साबका डीजीपी सुमेध सैनी की गिरफ्तारी से 8 अक्टूबर तक लगी रोक, अज सुमेध सैनी SIT के अगे पेश होने की बजाय हाईकोर्ट पहुंचे। MP सनी देओल वालों खेती बिलों का समर्थन करने को लेकर अज गुरदासपुर विच यूथ कांग्रेस ने सनी देओल के पोस्टर नु लगाई कालख। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा च तुहाडा स्वागत है, मैं भावना ते खबरां दी शुरुआत करदे हां इस वड्डी खबर तो। खेती ऑर्डिनेंस बिल दे खिलाफ भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल वालों मीटिंग की गई, जिस तों बाद प्रधान बलबीर सिंह राज्यवाल ने बयान दिता कि 1 अक्टूबर नूं पंजाब सरकार विधानसभा का सैशन बुला के इन्हां बिलों नूं लागू ना करन दा फैसला लवे अते बीजेपी का बाइकाट करे। हर तरह की ट्रांसपोर्ट, बाजार, सब कुछ बंद रहेगा और सिर्फ जे कोई मरीज़ ने उन्होंने अलाउ करांगे जाण वास्ते एंबूलेंसिस नूं। इस तों बाद फिर 25 तों बाद असीं फैसला कीता वी 1 अक्टूबर नूं पंजाब सरकार उदों तां या तां असैंबली दा इजलास बुला के जिहड़े कानून बणे ने उहदे बारे रेजोल्यूशन करे भी असीं इहनूं इंप्लीमेंट नहीं करांगे, ते भारत सरकार कानून नूं वापस लवे। उत्थे रेल रोको अंदोलन होएगा, असीं पंजाब चों दिल्ली वल जाण वालियां सारियां रेलां रोक देंगे। भाई पंजाब विच असीं हुण BJP दा कोई भी लीडर साढ़े आ गया BJP दा असीं टोटल बाइकआउट करांगे। संसद ने जम्मू कश्मीर दे भाषा बिल 2020 नूं प्रवानगी दे दित्ती है, जिस विच पांच भाषावां हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी ते डोगरी नूं अधिकारित भाषा दा दर्जा दित्ता गया है। इस विच पंजाबी नूं भी शामिल करन दी मंग उठी सी, पर सरकार वालों उस तों प्रवानगी नहीं दित्ती गई। श्रोमणी अकाली दल दे नरेश गुजराल ने इस ते बयान दित्ता है। संसद ने जम्मू कश्मीर दे भाषा बिल 2020 नूं प्रवानगी दे दित्ती है, जिस विच पांच भाषावां हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी अते डोगरी नूं केंद्र प्रशासित प्रदेश दी अधिकारित भाषा दा दर्जा दित्ता गया। इस विच पंजाबी नूं भी शामिल करन दी मंग उठी सी, पर सरकार वालों उस नूं प्रवानगी नहीं दित्ती गई। लोक सभा बिल तों बाद राज सभा विच बहस तों बाद इस बिल नूं पास कर दित्ता गया। गृह राज मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विच पंजाबी भाषा बोलण वाले लोकां दी गिनती 1.78% है, इसलिए इस भाषा नूं उत्साहित करन लई कदम चुके जा रहे ने। सरकार किसी खेतरी भाषा दे विरुद्ध नहीं है। उन्हां कहा कि बिल विच पंजाबी, गुजरी अते पहाड़ी दे विकास लई कई व्यवस्थावां कीतियां गईआं ने। मंत्री ने कहा कि कश्मीरी अते डोगरी जम्मू कश्मीर दे 74% लोकां दीआं भाषावां हन, पर 70 सालां तों इन्हां भाषावां नूं राज दी सरकारी भाषा ना बणा के लोकां नूं उन्हां दीआं इच्छावां तों वांझा रख्या गया। इस दे नाल ही दस दिए कि श्रोमणी अकाली दल दे नरेश गुजराल ने कहा कि इस बिल विच पंजाबी नूं शामिल ना करना मंदभागा है। कि पंजाबी भाषा जिस वेले जम्मू कश्मीर दी कॉन्स्टिट्यूशन बनी सी उहदे विच वी सी, जम्मू कश्मीर दा पहला प्रधानमंत्री भी पंजाबी सी, महाजन जी। उहदे बाद स्कूलां विच पढ़ाई जांदी सी उर्दू ते हिंदी दे नाल, साइन बोर्ड हुंदे सी सड़कां ते पंजाबी विच। हौली हौली असी इस भाषा नूं उत्थों ख़त्म कर रहे हां, ते उत्थे बसे पंजाबी ओह बड़े अपसैट ने कि निराश ने कि इहो जी चीज़ां हो रही हैं, क्योंकि जिहड़ी भाषा हुंदी है या बोली हुंदी है वह हर इंसान दी एक 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 विरसा हुंदा है, सांस्कृतिक विरसा जिहनूं तुसीं कह सकदे हो। तो मैं यही गल अज उठाई सी कि भई तुसीं क्यों पंजाबियों नूं उत्थे अपसैट कर रहे हो। साबका DGP सुमेध सैनी की गिरफ्तारी से 8 अक्टूबर तक रोक लग गई है। दस दिए कि अज सुमेध सैनी SIT के अगे पेश होने की बजाय हाईकोर्ट पहुँच गए, जिस तों बाद सैनी नूं 8 अक्टूबर तक गिरफ्तारी तो राहत मिल गई है। इस बारे च जानकारी देने लई साडे चंडीगढ़ तो पत्रकार जुड़ चुके हैं, अंकुश महाजन। सुमेध सिंह सैनी उधर ना जाके उन्होंने हाईकोर्ट का एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाया, तो हाईकोर्ट के विच एक पटीशन दायर की है, तो यह क्या है कि उसनू किसी होर मामले के विच गिरफ्तार ना किया जाए, तद जब तक वो SIT वालों उस तो पुछगिछ चल रही है। तो अज इस नू लैके अज हाईकोर्ट वालों जिहड़ा पंजाब सरकार नू 8 अक्टूबर तक का जिहड़ा वो नोटिस जारी किया गया, तो
8 अक्टूबर नू सरकार वालों अपना जवाब दायर करना है। तो लगातार सुमेर सिंह सैनी जड़े हैं वो इस मामले च भजदे दिखाई दे रहे। अज एक बार फिर अज सुमेर सिंह सैनी वालों जड़ा एक बार फिर पटीशन दायर करके साबित किया गया। उत्थे अगर गल करिए बलवंत सिंह मुल्तानी मामले च जड़े पीड़ित पक्ष के जड़े वकील है प्रदीप विरक, उन्होंने दैनिक सवेरा नाल खास गलबात करते साफ किया है कि सुमेर सिंह सैनी ने जड़ी है पटीशन हैगी है ये समन मिलन तो पहला ही जड़ी है वो हाईकोर्ट के विच पा दी सी, क्योंकि उसने डर सता रहा कितने ना कितने उसकी गिरफ्तारी जड़ी हो जा रही है। उस तो पहले ही उसने एक नवी चाल जड़ी है वो हाईकोर्ट के विच एक पटीशन पा के फिर खेडी है। तो इस तो साफ साबित हो रहा है कि किवें जड़ा सुमेर सिंह सैनी इन्हां मामलों तो भज रहा है। लेकिन गुरदासपुर तो एमपी सनी देओल वालों खेती बिलों के समर्थन लैके यूथ कांग्रेस वालों उन्होंने विरोध किया गया तो उन्होंने पोस्टर से कालखमली पोस्टर भी फाड़े गए। खेती बिलों का समर्थन करने तो बाद ही गुरदासपुर के बीजेपी एमपी सनी देओल से विरोधी धिर लगातार हमला कर रही ने। इसे दे चलद गुरदासपुर के हलका कादिया के बुटर चौंक च MLA फतेह जंग सिंह बाजवा के पुत्र यूथ कांग्रेस पार्टी के प्रधान कंवर प्रताप सिंह बाजवा की रहनुमाई हेठ गुरदासपुर के MP सनी देओल खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। इस दे नाल ही उन्हां दे पोस्टर भी फाड़े गए। उत्थे कुंवर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सनी देओल अपने आप नूं किसान दा पुत खवांदा है पर उसनूं किसानां दे दर्द दा पता ही नहीं है। उन्हां कहा कि हरियाणा ते पंजाब दे लोक नहीं चाहुंदे कि ऑर्डिनेंस लागू होवे। बाजवा ने सनी देओल दे 2.5 किलो वाले हथ दे डायलॉग दा मजाक उड़ाउंदिआं कहा कि अज उन्हां नूं 2.5 किलो अंडे अते टमाटर जरूर खिला दित्ते ने। जिहड़ा उन्हां दा असल चेहरा है अपने आप में शुरुआत तो लैके अज तक किसान का पुत्र कहें आए हैं, पर इन्हों असल किसान की दर्द ही नहीं पता, इन्हों जमीनी हालात ही नहीं पता कि पंजाब के की ने। पंजाब हरियाणे के लोग जो चाहते ही नहीं कानून लागू होवे उन्होंने उत्ते, तो जो जोड़ा मरीज़ है उन्होंने तुम एक ट्रीटमेंट दे रहे हो कि जी तेन इंजैक्शन लाने ही लाना, पर वो लवाना ही नहीं चाहता। वो कहता कि मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैं जिदा चली जाता मेरा शरीर मैं चली जान दो। ना मनदे होया प्राइवेट कंपनी के हाथ फार्मिंग नू खेतीबाड़ी नू दिंदा होया जिहड़ी जिहड़ी किसानां दी मुश्किलां हैगियां, मोदी सरकार ने करोना वायरस दे टाइम इन्नी औखी घड़ी दे टाइम की कहिंदे ने उत्थे लोक सभा दे विच इहदे उत्ते बहस कीते बगैर इन्हां ने बिल पास कीते, राज्य सभा च बहस कीते बगैर इन्हां ने बिल पास कीते, ते पार्लीमेंट बुलांदा सानू लगदा कोई फायदा ही नहीं सीगा। ते अगर सनी देओल जी नू असल मायने दे विच अगर ये किसान के पुत्र होंगे तो पंजाब की हित लिए कुछ सोचते। गुरदासपुर के लोगों ने इन्हों इन्नी आस नाल भेजा कि एक वड्डा चेहरा है, वड्डी आवाज़ होगी, गूंजूगी। मोदी साहब भी की पता जेडे गूंगे बहरे ने वो भी शायद इन्हों की आवाज़ सुन लैन पंजाब के प्रति, पर इन्होंने तो लोगों की पिट उत्थे जाके लाती। लोगों जेडे मोदी सरकार का जेड़ा किसान विरोधी बिल है ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਏ ਆ ਅਤੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਆਂਡੇ ਵੀ ਟਰੀਆਂ ਆਂਡੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜਨਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਟਕਰਾ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ
जो बस से जा रहे थे सामने एक ट्राला खड़ा हुआ सीगा, दो ट्राले से उन्होंने कोई तेल वगैरह मुक्या सीगा, वो खड़ाया हुआ सीगा बस से, तो मगरों बस वजी है ये, तो ये जो इंजर्ड हुए हैं तकरीबन 15 के करीब है, वो सिविल हॉस्पिटल करवा दते शिफ्ट, तो बाकी हले उन्होंने जो कार्रवाई कर रहे हैं। बठिंडा तो मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। खेती ऑर्डिनेंस नूं लैके दिल्ली जा रहे लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस से हरियाणा पुलिस के विच जबरदस्त टकराव हो गया, जिस तों बाद पुलिस ने लोक इंसाफ पार्टी के वर्करा ते पानी दीयां बुशारा कीतियां। खेती बिलों नूं लैके किसानां वल्लों लगातार रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो हुण लोक इंसाफ पार्टी के वल्लों दिल्ली का रुख किया गया, जिथे हरियाणा बॉर्डर से पुलिस नाल बैंस ब्रदरस की झड़प हो गई। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत बैंस वालों मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की गई सी ते दिल्ली पार्लीमेंट तक ले जाने की तैयारी सी। बैंस ने इस दौरान कहा है कि किसान जथेबंदियां सारी सियासी पार्टियां एक बैनर हेठ इकट्ठे होकर दिल्ली वाल कूच करन। असी सरकारी जबर ते जुल्म दा टाकरा करना कोई अज दी गल नहीं, असी जानदे आ एंड असी पार्लीमेंट का घराओ लाजमी कर जावांगे ही जावांगे। सो बड़ा दुख ते अफसोस आ, खट्टर दी सरकार की अधिकार रखदी है जीटी रोड रोकण दा। दिल्ली दी सरकार दे नाल साडा जिहड़ा आंकड़ा हैगा, दिल्ली दी सरकार ने डैथ वारंट किसानां दा मारू कानून बनाया, असीं उहदे लई स्ट्रगल करदे हां। ये खट्टर अपने अकामां दी चमड़ी बचाउण वास्ते उहनां नूं सेक ना लगे एंड दुख ते अफसोस आ कि डिप्टी सीएम साहब चुप बैठे आ। दस दी कि सिमरजीत बैंस ते हरियाणा पुलिस दे विच जबरदस्त टकराव हो गया ते पुलिस दे वल्लों लोक इंसाफ पार्टी दे वर्करां ते पानी दीआं बुशाड़ां वी कीतीआं गईआं। तस्वीरां च तुसीं साफ देख सकदे हो कि किस तरह प्रदर्शनकारियां नूं पुलिस वल्लों रोकण दी कोशिश कीती जा रही है। अज अमृतसर दे विच खेती ऑर्डिनेंस नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों किसानां दे नाल मिल के रोस प्रदर्शन कीता गया ते लोकां वल्लों वी उहनां दा पूरा सहयोग कीता गया। खेती ऑर्डिनेंस दे खिलाफ अज नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानां दे नाल खड़ के अमृतसर दे विच ट्रैक्टर रैली कढ़ी अते रोस प्रदर्शन कीता। तस्वीरां च तुसीं साफ देख सकदे हो कि भारी इकट्ठ दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू इस प्रदर्शन विच शामिल रहे ते लोकां वल्लों वी उहनां नूं पूरा सहयोग दिता गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਗੇ ਪੁਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਡਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ। श्रोमणी अकाली दल के विधायक मनप्रीत अयाली ने पार्टी वर्करा दे नाल मिलके खेती बिल के खिलाफ रोस प्रदर्शन करदे ट्रैक्टर रैली कढ़ी, जिस दौरान उन्होंने बयान दिता कि किसानों के नाल तानाशाही वर्गा सलूक किया जा रहा है। सानूं पंजाब पंजाब के किसानों ने जिन्होंने हमेशा ही देश के लोगों का ढिड भरने में सब तो वड्डा योगदान पाया, अपना बंजर कर लिया, असं अपना पानी खत्म करते करते पहुँच गए, लेकिन ये जो तानाशाही फैसले ले रहे हैं की है, सानूं पुछना नहीं चाहिए सी, साडियां किसान जथेबंदियों पुछना नहीं चाहिए सी। सो ये जो फैसले कर रहे तो विरोध के असं अज मार्च कर रहे हैं, क्योंकि देखो सब तो वड्डी शक्ति संघर्ष के ये जिहड़ा विरोध अज हो रहा, सारे किसानों को बेनती करना एकजुट हो के एक प्लेटफॉर्म इकट्ठे हो के असी किसानी की लड़ाई लड़नी आ। जिस तरह साडे विरोधियों ने अज प्रोग्राम रख लिया, बड़े दुख की गल आ, कोई वोटा नहीं पै रही, ये कोई कंपीटिशन नहीं हो रहा, है अज एक रोस मार्च आ। सो ये जदों मर्जी रख सकते सी, ये पिंडा का माहौल ना खराब करो, अज लोड़ आ, चाहे किसान किसी पार्टी ना जुड़िया होया, चाहे अकाली दल ना कांग्रेस ना किसी पार्टी ना, असी हर किसान लई लड़ाई लड़नी आ। सो अज ये जी इस मौके पर यही जी हरकत हुई है जी, मैं निंदा करना भी आने समय के साडे वल्लों कदे नहीं हो, विरोधी जरूर इस गल से सुचेत रहन, जी इन्हां लोकां दा सहयोग लेना, तां इह जिहियां कुछ हरकतां ना करन, किसानां लई इकट्ठे होकर लड़िए, किसानी हितां लई लड़िए, मैं अगे लग के लड़न नूं तैयार हाँ। गुरदासपुर च तीन नौजवानों वालों 17 साल की लड़की नूं अगवा कर लिया गया ते पिता दे बयानां ते पुलिस ने मामला दर्ज अगे दी कार्रवाई शुरू कर दित्ती। गुरदासपुर के सरहदी कस्बा दुरंगला के पिंड उगरा च 3 नौजवानों ने फायरिंग करके पिस्तौल की नोक से 17 साल की लड़की नूं घरों अगवा कर लिया।
दसा जा रहा है कि उक्त लड़की करीब 17 साल की है जो कि 11वीं जमात की विद्यार्थिन है। लड़की के पिता के बयान अनुसार पुलिस ने पिंड खरल और लखनपाल के दो व्यक्तियों समेत करीब 6 नौजवानों खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्थे DSP महेश सैनी ने दसा कि इस मामले में जांच जारी है और इस गल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उक्त हमलावर ने इस घटना अंजाम क्यों दिता है। साढ़े को इनफॉर्मेशन आई थी कि उगरे पिंड कोई रमनजीत कौर हैगी है, उम्र 16 साल तो थोड़ी उपर है, उन्होंने अज कोई एक बुरा वासी खरला पिंड का एक कोई भा है वासी लखनपाल थाना पुराना शाला तो उन्होंने नाल करीब कोई 4 मुंडे होर आए थे गन पॉइंट से किडनैप करके लै गए। पिंड वाले दसों तो पता लगा कि उन्होंने एक अद्धा कोई फायर भी किया। फिर कर रहे हैं जी पार्ट ऑफ इनवैसटिगेशन है, देख रहे हैं की कारण है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 6 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਰ ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਸਵੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 90,000 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ 83,347 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 90 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 45,87,000 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,68,000 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ਤੇਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮ।